कमाल है भाई साहब, अयान की चॉइस तो अच्छी है ही, उसने फालतू को जो चुना है। ओरिजिनल लुक सबका एंड लुक ओली एंड एक्शन। सुमित्रा जी की लाइन है, इतना सब कुछ होने के बाद भी थैंक यू के बाद। हाँ थैंक यू बोलो यार, के थोड़ा लेट में बस। अब आपने सुना, भाई साहब ने हमें माफ कर दिया, एक सेकंड चांस दिए। एक्शन। अब आपने सुना, भाई साहब ने हमें माफ कर दिया, एक सेकंड चांस दिए, तो आपको भी हमें सेकंड चांस देना ही पड़ेगा। और ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही। थारे को कहीं जाने की जरूरत ना चाची, घर छोड़ के कहीं जाने नहीं जाने वाली। चाची जी, थारे को ही घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत ना है। चाचा जी तो वैसे भी थारे को बहुत प्यार करे, वो तो बस उन्होंने गुस्से में बोल दिया थारे को डिवोर्स देने के बारे में, सपने में भी ना सोच सकते। सर चाचू बोलती हूँ। भाई अब जब बड़े पापा ने हमें माफ कर दिया है, तो तुम भी इस छोटे भाई की भूल को माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी मैंने किया, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ किया। कट, ये क्लोज करेंगे। तनीषा तुरंत आ गई थी। हाँ तनीषा आ जाओ। ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है ना। तो अब हम लोग
आराम से पार्टी कर सकते हैं। सो मंडे के हो रेडी एक्शन। सो मंडे को होगी एक फैंटास्टिक पार्टी जहां होगा धमाल, मस्ती, म्यूजिक, नाच गाना, एवरीथिंग। ओह गॉड, मैं तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट ही करना भूल गई। अब जाके सबको इनवाइट करती हूं। कट। ओके भाई साहब, पार्टी के लिए हमने बहुत शॉपिंग की है, बहुत शॉपिंग। नागोजी ने बोला, अरे सही बात है, पर क्या बात है फालतू, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। ना बाबा, हमारे पास ना पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं और वही पहनने में ना आते तो नए लेकर की करती, इसलिए छोड़िए। भाई साहब आपको पता है ये अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इस घर में कोई नहीं है जो इसके बारे में ना सोचे। देखिए ये सारा साड़ी तुम्हारे लिए है। ये कब लिया आपने मेरे लिए? मैंने नहीं लिया। देख भाई साहब, फालतू अपने बारे में कभी नहीं सोचती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम भी उसके बारे में ना सोचे। फालतू, ये साड़ी तुम्हारे लिए। फालतू, ये साड़ी तुम्हारे लिए। हमारे लिए मैंने क्या बात, वैसे आयार की पसंद ना काफी अच्छी है। मैं जरूर देखा जस्ट आवाज आई वहां से टर्न कर लो तुम एंड यू टेक दैट लुक एक्शन। आयार की पसंद तो वाकई भाई साहब बहुत अच्छी है, उसने जो फालतू को चुना है। ये थारे से ये बोला।